रणधीर भैया मेरे भाई बने हैं, पूरी पिक्चर में स्टार्ट इनसे ही होती है कहानियाँ। मैं पढ़ लिख के ये मुझे भेजते हैं बाहर, मैं पढ़ लिख के आता हूँ इनके घर पे आता हूँ, घर पे आने के बाद में भैया मुझे बोलते समझाते हैं वो मत करो मत कर, फिर मैं थोड़ा सा एरिया के मतलब जो शहर जो गाँव के लड़के लोग उनके साथ आवारागिरी करता हूँ, उनके कोई विलन है विलन के साथ में झगड़ा वगैरह करता हूँ, भैया समझाते मत करो तुम पढ़े लिखे लड़के हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, भैया हमारे एडवोकेट हैं हमारी पिक्चर में, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पहली बात तो सबको नमस्कार, मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं भी इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, हीरो का बड़ा भाई बना हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये फिल्म म्यूजिकल है, नाम से ही पता चलता है कि दिल तोहरा प्यार में पागल हो गई। सोम यादव जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं, जो इस फिल्म के हीरो हैं, हमारे बहुत ही क्लोज, हमारे साथ थिएटर किया उन्होंने 2 साल, और मैं इकबाल बख्श साहब की फिल्म मुन्ना भैया कर रहा था उस समय इस फिल्म का प्लान बना। एक तरह से कह सकते हैं कि भोजपुरी में एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आप एक डिफरेंट शेड देखेंगे इकबाल बख्श की डायरेक्शन का, अनारा गुप्ता का डिफरेंट शेड आप इसमें देखेंगे इस फिल्म में। कॉमेडी का भंडार जो मनोज टाइगर ने इस फिल्म में दिखाया, मेरे ख्याल से अब से पहले उन्होंने शायद कहीं नहीं दिखाया होगा, अवधेश जी और जितने भी एक्टर्स हैं। रोमांटिक फिल्म है, रोमांटिक एक्शन फिल्म है, और फिल्म के जैसे टाइटल से भी आपको पता चला दिल तोरा प्यार में पागल हो गए, तो ये जो हीरो हैं ये मेरे प्यार में पागल हो रहे हैं इस फिल्म में, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और इस फिल्म से जो है सोम जो हैं वो डेब्यू कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी मेरी और सोम की। मैंने जनरली बहुत सारे नए हीरोज़ के साथ काम किया है फिल्म में, बट जितना ईज़ और जितना कंफर्टेबल मैं सोम के साथ इस फिल्म में शायद इससे पहले नहीं थी, क्योंकि बहुत ही रॉ थे ये, कुछ भी नहीं पता था, और लेकिन जैसे इनको बताते थे एकदम ये करते थे, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इट्स रोमांटिक फिल्म जिसमें बताया है कि हीरो जो है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और एक हीरोइन है वो पुलिस वाले की बेटी बहन है, छोटी बहन है, लेकिन किस तरीके से एक विलन है फिल्म में, जो होता ही है जब लव स्टोरी बनती है ट्रायंगल, तो इसी तरह से होता है, और मुझे लेकिन कोई और प्यार करता है, उसकी ज़िद हूँ मैं, तो किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं बनके कंबाइन हो जाती हैं, और वो हीरो मुझे मेरे कॉलेज में मतलब देखता है, उसी कॉलेज में पढ़ता है, तो कैसे वहाँ से रोमांस शुरू हो जाता है, वो मुझे पटाने की कोशिश करता है, तो इस तरह से फिल्म का जो शुरुआत है। और मेरा बहुत ही एग्रेसिव रोल है, मैं बहुत ही, क्योंकि पुलिस वाले की बहन है तो टशन अलग सा ही है इस फिल्म में, पर धीरे धीरे मैं किस तरह से हीरो के प्यार को एक्सेप्ट करती हूँ, तो पूरा उस तरह की कहानी है, और फिर लास्ट में एक ह्यूज सा एक्शन और हीरो को मुझे पाने की कोशिश, और फाइनली मैं हीरो की हो जाती हूँ। पूरी फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊँ, दिल तोहरा प्यार में पागल हो गई, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। ये फिल्म इस फिल्म में सोमलाल यादव मेरा सुपरस्टार, अनारा गुप्ता जी हैं, अवधेश मिश्रा, मनोज टाइगर, गोपाल राय जी, रणधीर सिंह जी, सिकंदर खान, ये सारे एक्टरों ने काम किया है, और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए कि ये कहानी एक्चुअली मैं दिनेश जी के साथ में लेके बनाना चाह रहा था एक्चुअली। इट्स अ रोमांटिक एक्शन सिनेमा, एक हार्ड कोर रोमांटिक फिल्म है, बट जैसे बरसात एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की, रोमांटिक बट एक्शन फिल्म थी वो, उस तरह की ये फिल्म। ऐसा है सर कि मैंने कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म अभी तक दी नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, मैं सिनेमा बनाता हूँ, थोड़ा सा रिच सिनेमा, बड़ा सिनेमा, थोड़ा सा ग्रेंजर वाला सिनेमा, ये है मुझ में, ये थोड़ी सी मतलब कमी है या खूबी है पता नहीं, ये फिल्म भी मैंने उसी तरह से बनाई है एक्चुअली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, मेरे दर्शकों से ये अपील नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ एक्चुअली कि ये फिल्म जाकर देखें और मेरे इस सिनेमा को सराहें, कामयाब बनाएं, मेरे सोमलाल यादव को स्टार बनाएं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा सर। प्लैनेट भोजपुरी।